तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने आई है इंडियन रेलवे की तरफ से, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही न्यू है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आपको अप्लाई करना ही होगा। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी वैकेंसी सबसे पहले आपके सामने आए तो आप उसको अप्लाई करके आगे ज़रूर बढ़ जाइएगा। दोस्तों, दो तीन दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसका रीज़न ये था कि आज मेरा बर्थडे है 1 जनवरी को, और ये रियल बर्थडे है। दोस्तों, आप बहुत, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत बंदे ये बोल रहे हैं कि अपना एड्रेस दे दीजिए जिन जिनका वो होना हो चुका है, गिफ्ट भेजना है ये वो। भाई, मेरे को गिफ्ट भेजने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, इतना दैट इज सफिशेंट फॉर मी। दोस्तों, आज की जो रिक्रूटमेंट है इसमें, ये रेलवे की तरफ से आई है जिसमें जेई की रिक्रूटमेंट भी है, और 2023 वालों के लिए बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, यहाँ फ्रेशर्स वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। सैलरी की अगर बात कर लेते हैं, सैलरी क्राइटेरिया की, तो 56,400 ये मिनिमम रहने वाली है। एक चीज़ और है, बहुत बंदों का ये है क्वेश्चन कि हमारी 2023 में जॉब लग जाएगी, हमें कब तक अप्लाई करता रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जॉब 2023 के फर्स्ट मंथ के अंदर लग जाएगी। बस आपके लिए मैं जो कर रहा हूं अभी उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूं अब आपके लिए अनलिमिटेड वैकेंसी लाने लग रहा हूं। मैं डेली 3 से 4 वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें आप इजीली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और है कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कमेंट सेक्शन में जो है अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है कि नेक्स्ट वैकेंसी किस जॉब से रिगार्डिंग लानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक वैकेंसी कहाँ की तरफ से आ रही है, ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे इंडियन रेलवे की तरफ से। ये कि कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है जी। इसमें ये जो आई है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इज इक्वल्स टू जेई। दोस्तों, अगर देख लेंगे टोटल वैकेंसी जो इसमें दी गई है, टोटल वैकेंसी की जो संख्या है दोस्तों वो है 41 नंबर्स। और अगर सबसे पहले वाली जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 45 साल इन्होंने मांगा है, एनीवेयर इन इंडिया। जी हाँ, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहीं भी पोस्टिंग रहेगी, और इसमें क्या होगा, 77,000 रुपीज़ जो है उसको सैलरी मिलने वाली है। इसमें क्या मांगा है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन। दोस्तों, आपके पास सिविल या आर्किटेक्चर से होना चाहिए और 55% से कम नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल है। कितनी पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस कितना मांगा है, दोस्तों इसमें 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। इसके साथ साथ अगर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है एसेंशियल फॉर ड्यूटीज, दोस्तों आपका जो है डायरेक्टली वैकेंसी रिक्रूटमेंट है, और डायरेक्टली आपको बिलिंग देखना होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट देखना होगा, सारी चीज़ें। दूसरी जो वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों, प्रोजेक्ट इंजीनियर की आ रही है, जिसमें 45 ईयर्स मैक्सिमम एज दी गई है और 3 पोस्ट है, और इसकी भी एनीवेयर इन इंडिया में पोस्टिंग रहेगी, और इसमें भी जो सैलरी है वो 77,418 रुपीज़ पर मंथ रखा गया है। और इसमें भी दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्शन में 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ यही काम इसमें दूसरे वाले में रहने वाला है, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, ओवरसीइंग कंस्ट्रक्शन ओवर क्वालिटी एश्योरेंस, QA QC आपको चेक करनी है। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट ड्यूटीज चेक करनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। इसके साथ साथ जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें जो मांगा गया है 35 ईयर्स और 23 पोस्ट रहेगी, और पैन इंडिया। अब ये पैन का क्या बीमारी है जी, पैन का फुल फॉर्म है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, इंडिया में कहीं से भी आपका हो सकता है। और इसमें क्या है कि 61,962 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स, और इसके साथ साथ आपको 5 ईयर्स का सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल वर्क इंक्लूडिंग बिल्डिंग, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रोज, प्रेफरेबली इन PSU रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी के अंडर आपका होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये हैं, तो आपको डायरेक्टली कंपनी ले लेगी, जो कौन कौन रेलवे है वो आपसे ले लेगा। इसके साथ साथ एसेंशियल ड्यूटीज़ क्या क्या ड्यूटी रहेंगी आपकी, वही आपको QA QC देखनी है। QA QC का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेकिंग आपको देखना है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट देखना है, और सेफ्टी देखनी है। इसके साथ साथ आपसे कोई भी आपके हाथ में होगा, आपको बिल साइन करने हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, और इसके साथ साथ आपको रनिंग में ये सब मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको भी अटेंड करना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट,
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 35 ईयर्स मांगा गया है और इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर बीई बीटेक, और आपके पास मास्टर्स हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। एक्सपीरियंस जो है आपका मेजर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। नेक्स्ट जो आ गई दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी 30 ईयर मांगी गई है और एनीवेयर इन इंडिया, और इसमें जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको 48,852 मिले। और जहां देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है फ्रेश ग्रेजुएट्स में अप्लाई, हाउएवर प्रेफरेंस विल बी शैल बी गिवन हैविंग एन एक्सपीरियंस। दोस्तों इन्होंने जो है कि फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सैलरी रहेगी 48,000, 10 पोस्ट है और इसकी पोस्टिंग भी पैन इंडिया में रहने वाली है। 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज ग्रुप क्राइटेरिया मांगा है। इसके साथ साथ एसेंशियल ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी इसमें आपको ड्राइंग व्राइंग अंदर लिखनी है। अब बात आई कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, दोस्तों एज क्राइटेरिया जैसे कि एज दी हुई है, उसके बाद आपको SC ST वालों के लिए अलग से रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का, और जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं है। और डायरेक्ट क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेस पे यहाँ सिलेक्शन होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। कब है दोस्तों ये जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है 19/1 को है, इसके साथ साथ 20/1 को है प्रोजेक्ट इंजीनियर का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 23/1 को है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 24/1 को है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को 30/1 का है। और ये कहाँ होने वाला है जी, ये होने वाला है एट एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेल विहार, कोंकण रेलवे ग्रुप, नियर सीवुड्स रेलवे स्टेशन, सेक्टर 40, नवी मुंबई के अंडर रहने वाला है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं, इन्होंने जो बोल रखा है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ आपको क्वालिफिकेशन का आपको होना चाहिए कि आपने जगह 10th की है तो 10th का, 12th की है 12th का, ऐसे ही डेट ऑफ कि आपके पास होना चाहिए SSC, मतलब कोई भी 10th की मार्कशीट के अंदर भी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से हैं, मतलब OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या फिर आप किसी और जो भी है ब्रांच से, तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको देने होंगे। इसके साथ साथ आपको अगर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका डॉक्यूमेंट देना होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट ऑफ लास्ट एक्सपीरियंस लेटर जो भी आपका यहाँ मैंडेटरी है उनको देना होगा। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इंटरव्यू में होगा जो कि आपका कोंकण रेलवे लेगा, और इसमें आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटरव्यू प्राइमरी मेडिकल पॉलिसी टू एक्सटेंड ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम एंड फैमिली स्पॉन्स, आपको 200 रुपये 500 ये कटा करेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो काम आने वाली हैं। दोस्तों ट्रैवल एंड ड्यूटी एक्सपेंसेस ये जो है 12 ये जो आपको 12 आर ये जो आपको बाहर जाया करेंगे तब आपको इतना पैसा मिला करेगा इनकी तरफ से। रेंट अलाउंस रेंट हाउस ऑफ KRCL अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड वाइल ऑन ड्यूटी, इफ नॉट रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस एज पर रेट फिक्स बाय KRCL वुड बी अलाउड ऑन प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स। दोस्तों यही इन्होंने बोला है, लीव जो है 15 डेज आपको every 6 month में मिलेगी, और इसके साथ साथ 8 डेज आपको कैजुअल हॉलीडेज मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थी आपके लिए, और एप्लीकेशन फॉर्मेट भरने का इसके सामने ही पूरा लेटर दिया हुआ है, यहाँ से जाकर इसको अप्लाई कर दे, कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू, बट इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब बताइए लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, वैसे तो मैंने लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, बट आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ मैंशन देख लीजिएगा, वहाँ आपको लिखा होगा रेलवे अप्लाई लिंक, वहाँ जैसे ही आप देखेंगे उस पर जाके आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से जाकर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अपना जरूर से जरूर अपनी ब्रांच मेंशन कर दे जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।